एक बार फिर जार स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत का एक छोटा छोटा डिजिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज का क्लास में एक बड़े प्रतिशत का, देखिए पहले मैंने आपको बताया इजी टाइप का क्वेश्चन, आज थोड़ा हार्ड में बताऊंगा, और उसके बाद जब आप सीख जाएंगे ये सीखने लगेंगे तो मैं बताऊंगा कि कंपटीशन में किसी भी एग्जाम के कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन और कैसे आता है। ग्रुप डी में हो, आरआरबी का कोई ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर कोई एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो ये सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, प्रतिशत का, वो किस टाइप का आता है और कैसे आता है। तो जब तक आप सीख नहीं पाएंगे तो इजी क्वेश्चन से मैं बताया था, आज मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन बताऊंगा टू डिजिट पे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, सपोज करें कि 28 का 28 पूर्णांक 1/2% बराबर हुआ। कल मैं आपको इजी फॉर्म में बताया था कि इतना 203 का इतना प्रतिशत, या आपको तीन डिजिट में बताया था, लेकिन उसमें मैंने बताया था आपको कल कि 1/2% कितना होगा, 1/4% कितना होगा, 3/4% कितना होगा, और एक सिंपल बताया था 1.1/4% कितना होगा। तो किसी नंबर का, इसके बारे में मैंने आपका कल कल्पना चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं ये आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व होता है, और एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, कम समय लगता है, क्विक हो जाता है वहां, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जो आप नॉर्मली आप जानते हैं कि लॉन्ग मेथड से कैसे इसको हैंडल किया जाता है, तो वो लॉन्ग डिविजन से भी बताता हूं। चलिए फर्स्ट मेथड है इसका कि 28 का 28 पूर्णांक 1/2%, ठीक है। तो 28 गुना इसको क्या करते हैं, हम बिन पूर्णांक बदलते हैं, तो 2 × 28 56, 157 57/2%, और परसेंट के लिए क्या यूज करते हैं, बाय में 100, 100 यूज कर देंगे। अब काटने वाली बात, तो मैंने बताया था डिवीजन में कि 10 से 100 से 1000 से अगर इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका एक टेक्निक होता है, और यहां पे पहले क्या करेंगे, हम 2 से पहले इसको काट करेंगे 14 टाइम्स में, 14 × 56/100। आपको दो डिजिट का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4 = 28, रेस्ट बचेगा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 1 = 60, और 5 × 4 = 20, सबको ऐड करेंगे 29, इसका यूनिट प्लेस 9 यहां आएगा, जो बच जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 5 × 1 = 5 + 2 = 7, कितना आया टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 798 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब डेसिमल पॉइंट से, दशमलव बिंदु से आप कैसे भाग करते हैं, दशमलव कैसे यूज करते हैं, आपको पता ही है, प्रीवियस क्लास में मैं सिखा चुका हूं कि कैसे दशमलव को बदलना चाहिए। तो ऊपर के आई लिंक बटन में आपका आ रहा होगा लिंक, उसमें आप प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग हुआ, ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ मेथड का कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया। ये आप प्रीवियस छोटे क्लास में पढ़ते थे कि ऐसे किया जाता है, अगर प्रतिशत का कोई सवाल है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप कंपटीशन में हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना सारा समय नहीं मिल पाता है, उस समय को हैंडल करने के लिए आपको, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये लॉन्ग तरीका है, इतना सारा समय आपको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसको मैनेज करना है, और वो मैनेज तब होगा जब आप एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको सीख पाते हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी मैं आपको अभी हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जैसे प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं कि आपका छोटा छोटे से
पूर्णांक एक बटा चार इस तरह से, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन में बड़ा डेवलप किया हूं मैं, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 28 का 1% निकालिए, तो 28 का 1% क्या हो जाएगा 0.28। अब इसको इसका 10% निकालिए, कितना है ये 28, तो 2 से गुना कर देंगे तो 20% हो जाएगा इसका, 20% हो गया इसका। और अगर इसको 8 से गुना कर देते हैं तो ये 8% हो जाएगा। देखिए 8 8 = 64 = 6 और 8 2 = 16 = 22, 2.24 हो गया आपका। अब यहां पे कितना निकालना है, आधा परसेंट, अब इसका आधा परसेंट निकालना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपको फास्ट कैलकुलेशन करता रहना है ब्रेन में, किसका क्या करेंगे किसका क्या करेंगे, क्योंकि आपको सारा चीज पता है कि 10% क्या होगा, 1% क्या होगा। अब ये 28 पूर्णांक 1/2% था, तो 1% का आधा करेंगे वो निकल गया, 8% को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से वो निकल गया, तो इसका आधा परसेंट क्या हो जाएगा 0.14। सारे नंबर को एक साथ अच्छे जगह पे रफ में एक जगह पे आप प्रॉपरली इसको लिख लेंगे, 2.24, 5.60 और 1.4, और इसको ऐड कर लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से आपका इसका कि 28 का 28 पूर्णांक 1/2% बराबर वाट के जगह पे आप इसका आंसर पुट अप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके आपका हो गया, एक लॉन्ग डिवीजन से, ये शॉर्ट डिवीजन शॉर्ट मेथड से। ये आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये ट्रिक भूल भी जाते हैं, सपोज करिए भूल गए, मान लीजिए एग्जाम में बैठे हुए और इस क्वेश्चन को आप भूल गए, तो आप इस माध्यम से बना सकते हैं। और हमेशा याद करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा टेक्निकल होता है। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कोई भी नंबर लेकर के, आगे की क्लासेस में मैं आपको वो हॉर्स बताऊंगा जो प्रीवियस किसी भी एग्जामिनेशन में, ग्रुप डी में, एसएससी में, आईटीपीसी में, किसी भी एग्जामिनेशन में पिछले 10 सालों में क्या क्वेश्चन आया है उसकी चर्चा करेंगे, वो क्वेश्चन रखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनका मेथड बताएंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे वो कैसे सॉल्व होता है। और हर दिन आप जैसे जैसे मुझसे जुड़ते जाएंगे आपको हर दिन ये पता चलता रहेगा कि किस माध्यम से आप तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप देखेंगे एक चीज कि एग्जामिनेशन हॉल में छोटे छोटे चीज में आदमी फंस जाता है, वो इसका तो होगा ही नहीं, आंसर आया हुआ भी वो डॉट में फंस जाता है, पता नहीं इसका होगा नहीं। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है 3 या 4 डिजिट का आता है एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का नंबर चेंजिंग रहेगा बट क्वेश्चन का जो थॉट होगा, ट्रिक होगा वो यही होगा कि क्वेश्चन आता क्या है। एकासी पूर्णांक एक बटा दो प्रतिशत, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड और लॉन्ग दोनों में बता रहा हूं, 325 गुना 81.2% बराबर 325 गुना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 162 + 1 = 163/2 और परसेंट के लिए 100। अब किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये बात आएगी कि लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मेथड से है तो इसका
तीन अंकों का गुना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको तीन अंकों का गुना सिखाऊंगा कि तीन अंकों का गुना एक लाइन में कैसे हो जाता है। आज तो मैं ये लॉन्ग तरीके से बता रहा हूं कि इसका गुना देख लीजिए क्या होगा। इसका गुना क्या हो गया आपका 52,975 एंड डिवाइडेड बाय 2 × 100। 2 से डिवाइड करिए और फिर 103,000 का ट्रिक्स बता चुका हूं। 2 से डिवाइड करिए क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14 एंड 0.5/100। और ये फिर पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा तो 264.875 ये उसका आंसर हो गया। लेकिन अगर दूसरे मेथड से बताते हैं, सेकेंड मेथड से अगर आप सीखेंगे तो आपको ये सब काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली आप उसको सीख पाएंगे कि ये सॉल्व कैसे होता है। कितना है 81% 1/2, 81 इंटीजर 1/2%, सॉरी 81 इंटीजर 1/2%। देखिए 325 का 10% कितना हो जाएगा 32.5%, ठीक है। और कितना है 10 को अगर 8 से गुना कर देंगे तो 80, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 8×5=40, 4 × 8 = 16, 26, 0 हाथ में 2, 8×24 = 26, कितना आ गया इसका 1%, 325 का 1% कितना हो जाएगा 3.25, है ना। और इसका ठीक आधा, क्योंकि आधा ही करना है, तो जितना एक का है उसका आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2×1 = 2, 2×6 = 12, 2×4 = 2, 7×14, 0.5 ये आ गया आपका। सारे नंबर को ऐड कर देंगे, एक जीरो लगा दीजिए, एक जीरो और लगा दीजिए, इसमें जीरो लगा दीजिए, 5×12 = 1, 8×9 = 4, 6×2 अभी आपका आंसर आया था ना, तो मिस्टेक, अच्छा अच्छा ठीक है, वो आपका आंसर आया था 264.925, 264.925। ये आपका देखिए ये लॉन्ग मेथड से है, ये शॉर्ट मेथड से है, सेकेंड मेथड। ठीक है, आप छोटे छोटे परसेंटेज प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया है ऊपर के आई बटन लिंक में लिंक आ रहा होगा, आप आराम से उसमें सर्च करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो जॉय स्टडी सेंटर का जो साइट है उसको अगर खोलते हैं, प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आप मैथ क्लास में जा करके भाई सुबोध सर वैसा खोल करके आप चेक कर सकते हैं, तो प्रीवियस क्लास आपका आ जाएगा, कौन क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए मेथड का जो पूरा फंडामेंटल्स है ये आपका, ये एकदम आसान तरीकों से, कहीं आपको गुना नहीं करना पड़ा तीन अंकों का, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, सो इजी आपको सॉल्व हो गया। ठीक, आज का क्लास इतना ही, और कल के क्लास के लिए मैं कल रीजनिंग बताऊंगा, तो कल का क्लास जरूर आप लोग देखेंगे, कल आपका रीजनिंग का मेरा फर्स्ट क्लास होगा, वो आप चेक करेंगे और आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।